नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव नवंबर के महीने में होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कुल मिलाकर 288 विधानसभा सीटें होती हैं। 288 विधानसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी की आज एक बड़ी बैठक है। महाविकास आघाड़ी के तहत तय हो जाएगा कि आखिरकार सीटें किस पार्टी को कितनी मिलेगी। जहां महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एक बड़ी तकरार देखने को मिल रही थी कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, जहां कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा तो वहीं उद्धव ठाकरे अपना चेहरा चुनने की बात करते हैं, शरद पवार गुट की तरफ से बयान दिए जाते हैं। आज बड़ी बैठक है, एक बड़ा फैसला तय होता हुआ आज नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम महायुति गठबंधन की बात करें तो महायुति गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। महायुति गठबंधन में जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ यहाँ पर एनसीपी अजीत पवार की है, यहाँ पर शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी है। अब सीटों को लेकर जो फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से निकाला गया था वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं तय नहीं माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 142 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो वहीं अगर हम एनसीपी की बात करें तो 52 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 67 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो सीटों के बंटवारे में भी 28 सीटें बाकी हैं जिन पर फैसला होना बाकी है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकते हुए नजर आए हैं, और ये झुकना सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों का मिलना, सीट शेयरिंग के साथ उम्मीदवारों का उतारना, ये काफी अहम माना जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी तक 28 सीटें बाकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के तहत 99 सीटों पर, 142 सीटों पर तय हुआ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ना, 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और इन 99 सीटों में से 5 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जो एकनाथ शिंदे के खाते की सीटें हैं, उनकी पार्टी के खाते की सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे को वो तवज्जो नहीं मिल रही है। पहली बात तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो धुले शहर है जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के अंदर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। देवली है, यहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यहाँ पर अचलपुर है, यहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। यहाँ पर नाला सोपारा है, यहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। यहाँ पर उरण है, ये 5 सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार तो उतारा, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र को, उनको एक बार फिर से मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और नागपुर दक्षिण पश्चिम से मौका यहाँ पर दिया गया है, छठी बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। 2009 से देवेंद्र फडणवीस लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अब 99 पर उम्मीदवारों का ऐलान, ये भी कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आई थी, लेकिन उस वक्त गठबंधन ऐसा नहीं था जैसा अब नजर आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरा तय होना भी तो बाकी है। भारतीय जनता पार्टी में क्या एकनाथ शिंदे क्या अजित पवार के बीच में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। सीटों को लेकर और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने को लेकर जो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, क्या ये फैसले महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को तोड़ने की कगार पर ले जाएंगे, क्या ये गठबंधन किसी के सहारे तो टिका और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, लेकिन क्या ये विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा, क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।